Hello students, myself Surekha Verma, your English teacher. Today I will explain you chapter number 2, the kite competition. Students, do you know about the kite competition? Each and everyone like to kite competition. Every year Gujarat celebrates many festivals. The International Kite Festival is regarded as one of the biggest festivals celebrated Gujarat mein. ये सबसे बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है काइट फ्लाइंग. ये स्टोरी जो है, रीड दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग टू किड्स हु टेक पार्ट इन अ काइट कॉम्पिटिशन. यहाँ पे दो बच्चे हैं जो काइट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं. दैट रिक्वायर्स देम टू मेक देयर ओन काइट, जो उन्हें अपनी खुद की काइट बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. चिराग एंड रेनी कैरिड देयर स्केच टू द साइन अप टेबल. दे कुडंट वेट टू स्टार्ट बिल्डिंग टू द काइट दे हैड डिजाइन फॉर द हाई फ्लाई कंटेस्ट. द लाइन फॉर रजिस्ट्रेशन वॉज लॉन्ग एंड फिल्ड विद काइंड किड्स ऑल एजेस. टू टीनेजर्स स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम. चिराग पिक एट देयर स्केच एंड हिज आईज वाइडन. यहाँ क्या है, चिराग और रीनी दोनों अपने जो स्केच मतलब अपना ड्राइंग, काइट का ड्राइंग लेके अपने साइन अप टेबल पे गए. लेकिन उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खड़े हैं लाइन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए. और उन्होंने देखा टू टीनेजर्स जो है, टीनेजर्स मतलब छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स वहाँ पे खड़े हुए हैं उनके सामने. उसने चिराग पिक एट देयर स्केच. चिराग ने देखा उनका स्केच ड्राइंग का और हिज आईज वाइडन, उसके आँखें आकर्षित हो गई उसकी तरफ, क्योंकि उनकी जो काइट थी वो बहुत ही सुंदर थी. लुक ही विस्पर टगिंग ऑन रिनी स्लीव. उसने रिनी के स्लीव को टगिंग करते हुए मतलब खींचते हुए उसे धीरे से उसके कान में कुछ कहा. देखो रिनी ग्लांस एट द स्केच. वाओ देयर्स अ लॉट बेटर देन आर्स. रिनी ने क्या कहा, हमारे काइट से बहुत अच्छी इनकी काइट है. देयर काइट लुक्स लाइक एन एयरप्लेन. उनकी काइट कैसे लग रही है, एयरप्लेन की तरह से लग रही है. एंड आर्स इज बोरिंग डायमंड. चिराग सेड. चिराग ने क्या कहा, हमारी जो है काइट वो कैसी लग रही है, बोरिंग डायमंड की तरह से लग रही है. रिनी नो रेड एट द किड्स बिहाइंड देम. दैट्स देयर लुक लाइक. रिनी ने उन बच्चों के पीछे से कहा, यस हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है काइट. चिराग प्रिटेंडेड टू टाई हिज शूज सो ही कुड सी द पेपर एट द गर्ल साइड. ही साइंड एंड स्टूड अप. दैट्स लुक लाइक अ स्पेसशिप. चिराग ने ऐसे ही प्रिटेंडेड मतलब ऐसे कुछ झूठ मूठ का बहाना करते हुए, कुछ प्रिटेंडेड करते हुए मतलब अपना बहाना बनाते हुए उसने अपने शूज़ की टाई बांधी. लेकिन उसने क्या देखा, गर्ल्स के साइड में देखा जो बहुत ही सुंदर थी काइट. और वो कैसी थी, स्पेसशिप की तरह से थी. उतने में उसने सुना, नेम्स द वुमन एट द साइन अप टेबल आस्क. जो साइन अप करने के लिए बैठी थी वुमन, उसने पूछा उनके नाम. रिनी एंड चिराग जम. रिनी साइन अप साइन दे. रैनी एंड चिराग बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने जंप किया और अपने नाम वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया. आई नीड अ कॉपी ऑफ योर डिज़ाइन द वुमन सेड आफ्टर साइनिंग अप. नो अल्टरेशन कैन बी मेड टू योर डिज़ाइन. वुमन ने क्या कहा कि आपकी जो कॉपी है वो नीड अ कॉपी ऑफ योर डिज़ाइन. आपकी डिज़ाइन की एक कॉपी मुझे चाहिए. और बाद में साइन अप करने के बाद में क्या कोई भी चेंज, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा आपके डिज़ाइन में. वॉट चिराग आस्क. चिराग ने पूछा, क्या. दोज आर द रूल्स. द वुमन टुक द पेपर फ्रॉम चिराग साइन एंड सैंड देयर साइन डिज़ाइन. उस वुमन ने क्या किया, उन चिराग के हाथ से पेपर लिए और उस पर स्टैम्प कर दिया और बोला कि दोज आर द रूल्स. यही क्या होते हैं, रूल्स होते हैं. नेक्स्ट द वुमन आस्क. रिनी एंड चिराग walk home and their head down. I guess I will have to stick to the diamond sky, Chirag said.
चिराग ने क्या कहा, हमें इसमें कुछ अलग सा करना चाहिए, उसे स्टिक करने के लिए हमें कुछ डायमंड यूज करने चाहिए शायद। और दोनों अपनी मुंडी नीचे झुका के अपने घर चले गए। वॉट इफ ही गेव इट अ कूल लुकिंग टेल, आई बीट द जजेस डोंट केयर अबाउट दैट, रिमी सेड वॉकिंग अप अ लिटिल। वॉकिंग मीन्स चीयरफुल होके, बहुत ही खुश होके रिनी ने क्या कहा, हम इसमें एक टेल लगा सकते हैं ना, जो बहुत ही सुंदर दिखेगी, वो काइट हमारी बहुत अच्छी लगेगी। चिराग श्रग, चिराग ने ऐसे ही अपने कंधे उछालते हुए उसे हाँ कह दिया। दे वर्क ऑन द काइट ऑल वीकेंड, वीकेंड मीन्स सैटरडे संडे, दे वर्क ऑन द काइट, पूरा सैटरडे संडे उन्होंने अपने काइट पे काम किया। इट वॉज इन फैंसी एक्सेप्ट फॉर द टेल, उनकी जो काइट थी वो कोई फैंसी नहीं थी, वो सिर्फ टेल उनकी जो थी काइट की वो फैंसी अच्छी लग रही थी। रिनी सेड रिनी हैड डेकोरेटेड इट विथ फीडर्स वेड्स एंड टाइनी मिरर्स, इट स्पार्कल्ड इन द सनलाइट। रिनी ने क्या किया, उसमें फेदर्स लगाए, बीड्स लगाए, टाइनी छोटे छोटे मिरर्स लगाए, और वो सनलाइट में कैसी हो रही थी, बहुत ही चमक रही थी। ऑन द डे ऑफ द कंटेस्ट रिनी एंड चिराग कैरिड देयर काइट टू द स्टार्टिंग लाइन, द रूल्स वेर सिंपल, द काइट दैट फ्लू द हाइएस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ओन। इसका कंटेस्ट का जो क्या था, कंटेस्ट में वो अपने स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए थे दोनों, और उनके रूल्स क्या थे, वेरी सिंपल रूल्स थे, जो जिनकी काइट सबसे ऊपर जाएगी वही क्या होगा, विनर होगा। एंड देयर वेयर टू राउंड्स विच मेन टू ट्राइज टू बी द बेस्ट, और वहाँ पे दो राउंड हो गए, ठीक है, विच मेन टू ट्राइज टू बी द बेस्ट, उनको आपको दो ट्राइज करनी पड़ेगी, दो बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी बेस्ट बनने के लिए। रिनी एंड चिराग टुक देयर स्पॉट ऑन द लाइन, रिनी एंड चिराग अपने जगह पे खड़े हो गए और वो देखने लगे। मोन वेन चिराग मोन वेन ही सॉ दे फेयर बिटवीन द स्पेसशिप एंड द एयरप्लेन, चिराग जो है वो बहुत ही गुमसुम खड़ा हो गया, बहुत ही नाराजगी से खड़ा हो गया जब उसने देखा कि वो स्पेसशिप और एयरप्लेन के बीच में खड़ा हुआ है, वो बहुत नाराज हो गया। फ्लायर्स ऑन योर मार्क द अनाउंसर सेड गो, अनाउंसर था उन्होंने कहा कि फ्लायर्स गो। रिनी हेल्ड द स्ट्रिंग वाइल चिराग रैन डाउन द फील्ड विद द काइट, रिनी हेल्ड द स्ट्रिंग, रिनी ने क्या किया, काइट की जो स्ट्रिंग थी वो पकड़ के रखी, और चिराग जो था वो फील्ड में काइट के पीछे भाग रहा था। ही लिफ्टेड इट इन द एयर, वो एयर में उसे उड़ा रहा था। इट ओबल्ड एंड फेल टू द ग्राउंड, इट ओबल मीन्स मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, वो अच्छे से ऊपर नहीं जा रही थी, वो बार बार जमीन पे गिर रही थी। राउंड वन वॉज ओवर फॉर देम, फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका। चिराग रैन द काइट बैक द रिनी, इट्स अ टेल, द बीड्स एंड द मिरर्स आर वेइंग इट डाउन, चिराग ने क्या कहा, इसके जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है इसके बीड्स और मिरर के वजह से। बट दे वेर सो प्रेटी रिनी सेड, रिनी ने कहा लेकिन वो तो बहुत सुंदर दिख रही है, डू यू वॉन्ट प्रेटी और डू यू वॉन्ट टू विन, रिनी नोडेड एंड चिराग पुल्ड ऑफ द बीड्स एंड मिरर्स, उसने क्या कहा कि उसका सुंदर दिखना ही जरूरी नहीं, हमें क्या करना है, विन होना है। इसलिए रिनी ने मुंडी हिलाते हुए कहा, और चिराग ने उसके जो भी बीड्स थे मिरर्स थे पूरे निकाल दिए। ही फिनिश जस्ट इन टाइम फॉर द स्टार्ट ऑफ टू राउंड टू, सेकेंड राउंड ख़त्म होने तक उसने उसके पूरे बीड्स और मिरर्स निकाल दिए। एज ही रैन विद द काइट ही कुड फील द वेन पिक इट अप, अब उसकी जो काइट है वो हवा में उड़ने लगी। ही लेट गो एंड रेस बैक टू हेल्प रिनी, अब वो रिनी को हेल्प करने के लिए पीछे आ गया। दे लेट आउट द स्ट्रिंग एज फार एज कुड गो ड्राइव द पास्ट स्पेसशिप एंड द एयरप्लेन, अब जो उनकी काइट जो थी वो एयर स्पेस स्पेसशिप और एयरप्लेन को भी पीछे छोड़ दिया, और वो बहुत आगे तक चली गई उनकी जो काइट थी। द काइट स्टेड अप अंटिल द अनाउंसर ब्लू द हिज विसल एंड डिक्लेयर देम द विनर, उनकी काइट बहुत ऊपर तक चले गई जब विनर ने जब अनाउंसर ने उनको विनर घोषित किया।
guess. Looks don't mean a thing in kite flying, Rinin said. Rinin का क्या है कि इस kite flying में बहुत सुंदर दिखना ही जरूरी नहीं है. Yes, Chirag said. Simple is best. Chirag ने कहा हाँ सही बात है, सिंपल ही सबसे बेस्ट होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये लेसन? काइट कंपटीशन, काइट कंपटीशन में काइट का बहुत सुंदर दिखना ही जरूरी नहीं होता है. उनकी जो काइट है वो कैसी है, वो कितने ऊंचे तक जा रही है, कितने ऊंचाई को छू रही है, ये जरूरी होता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन प्रॉपरली, जस्ट फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट पेज आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड अदर एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू वेरी मच. Stay home, stay safe.